ओके सो अभी हम जिम से आ गए हैं. सबसे पहले विल हैव सम लिटिल प्रोटीन. द बेस्ट थिंग आई लाइक ये प्रोटीन के बारे में इज दैट कि उसमें एक बहुत अच्छा कन्वीनियंट स्कूप होल्डर है विच इज़ रियली रियली नाइस. आप अपना सिंपली प्रोटीन ले सकते हो. आपको यू नो स्कूप के लिए देखना पड़ता है पहले, वो नहीं होता इसमें. ये मेरे को बहुत अच्छा लगा पर्सनली ये प्रोटीन के बारे में. एंड साथ ही साथ द टेस्ट इज़ रियली नाइस. मिक्सिबिलिटीज गुड एंड ऑल. एनी वेज सो द रीज़न मैं फिजियो के पास गया ना, आप लोग ने देखा कि आई गॉट माई शोल्डर डन इज़ बिकॉज ऑन द वेरी फर्स्ट डे आई डेंट स्ट्रेच आफ्टर माई वर्कआउट. और मैं फिर चिकन लेने के लिए गया था एंड जब मैं पीछे रख रहा था चिकन तो मेरा शोल्डर स्लाइट सा पुल हुआ. आई फेल्ट लिटिल पेन हियर एंड वो एक सेकेंड के लिए था, नथिंग हैपेंड. दूसरे दिन जब मैं सुबह उठा तब द पेन वॉज वेरी बैड. आई न्यू कि कुछ ना कुछ तो ऊपर नीचे हुआ है एंड इसलिए आई वेंट टू द फिजियो. उनने मुझे बोला कि आपका स्कैपुला थोड़ा सा ऊपर आ गया था जिसके से एक मस्कुलर पुल हुआ है. ज़्यादा कोई टेंशन की बात नहीं है बट बिकॉज ऑफ दैट हमने एक पुश सेशन को मिस किया था एंड आज आई ट्रेंड पुश टू द मैक्स ऑफ माई कैपेसिटी. आई डिड आराम से बहुत सारी तीन चार एक्सरसाइज फॉर चेस्ट एंड शोल्डर्स एंड डिड अराउंड 8 to 9 टाइप्स ऑफ लैटरल्स बिकॉज मेरे को मेरे लैटरल्स ही वहाँ पर फोकस करना है. बट एनी वेज ये सब हुआ था एंड नाउ वी आर फाइनली बैक ऑन ट्रैक. और अगले वीक से बैंड बजना शुरू होगी बिकॉज ये वीक लकीली बहुत ऐसा कन्वीनियंट गया. आई हैव जस्ट स्टक टू माई डाइट और स्टेप्स 6K अ डे और ट्रेनिंग. सो दैट्स ऑल. अब अगले वीक से एक्चुअली बैंड बजना शुरू होगी क्योंकि ये वीक के बेसिस के ऊपर अगले वीक का एक अच्छा प्रोग्राम बनेगा. बट एनी वेज दिस इज़ वॉट हैज़ हैपन्ड एंड या आई होप आपको ये वीडियो देखने मज़ा आया. एंड इफ दैट इज़ द केस देन प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने कोई दोस्त के इस वीडियो को शेयर करिए. इफ़ पॉसिबल तो नीचे प्लीज कुछ कमेंट भी करके जाइए, उससे थोड़ी एंगेजमेंट ऊपर आती है. बढ़िया, अब मैं आप सबसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में. अंटिल देन हैव एन अमेजिंग डे एंड कीप ग्राइंडिंग यू गाइस. सी यू.